नमस्कार। जन सरोकार मंच के माध्यम से लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में हमारा कार्यक्रम है इनसे मिलिए, जिसमें हम विशिष्ट जनों से साक्षात्कार करके, वार्ता करके, संवाद करके हम आप लोगों तक सब तक पहुंचाते हैं। और आज जो विशिष्ट जन हमारे साथ हैं सौभाग्य से, वो हैं डॉक्टर साहब, आप भरतपुर में निवास करते हैं वैसे तो, डॉक्टर ब्रज मोहन भारद्वाज जी। अब विशेष बात यह है कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, ये ऐसे चिकित्सक हैं जो मनुष्य के उन हालातों में साथ देते हैं जहां उसके साथ कोई नहीं होता, असहाय है, निराश्रित है, पीड़ित है, शारीरिक दोषों से ग्रस्त है या मानसिक ग्रंथियों से शिकार है, उन सबका मसीहा कोई बन रहा है तो हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर ब्रज मोहन भारद्वाज। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस मंच पर आपका। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये अपना घर जिसे आप संचालित कर रहे हैं, ये क्या संस्था है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। अपना घर एक विचारधारा है जी, और ऐसी विचारधारा है जिन्हें हम दीन, दुखी, असहाय, लावारिस, अनाथ कहते हैं जी जी जी, उनमें साक्षात प्रभु के दर्शन कर को अपनी पूजा एवं आराधना मानती है। हमारे लिए सेवा नहीं होती, हमारे लिए पूजा होती है, प्रार्थना होती है, आराधना होती है। वर्तमान में जो लोग आप देखते होंगे कोई मंदिर के आसपास, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के आसपास, किसी को टीबी है, कैंसर है, एड्स है, मनोरोगी है, मंदबुद्धि है, मांग के नहीं खा सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कीड़ा पड़े हुए हैं, इस तरह के जो प्रभुजन होते हैं उनको हम लेके आते हैं और लेके आकर उनको खाना पीना, दवाई, जो भी जीवन यापन की जरूरतें होती हैं वो, और साथ में उनको अपनापन, ये बड़ी बात है। हाँ, सबसे पहले जो हम उनको लेके आते हैं ये देखते हैं इनके जीवन में अभाव किस बात का था। ठीक है, तो ज्यादातर भोजन वस्तु तो मिल ही जाते थे, लेकिन कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं था, आप कैसे हैं, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, क्या आपने दवाई लेने से पहले कुछ खा लिया है, इस बात का हम लोग ख्याल रखते हैं। अभी भरतपुर का जो आश्रम है दुनिया का सबसे बड़ा होम्योपैथी कैटेगरी का, यहाँ पर 4,750 प्रभुजन अभी वर्तमान में भर्ती है। क्या बात। इसके अलावा 12 राज्यों में 58 आसन संचालित हैं, एक नेपाल में है। वाह। कभी यहाँ पर जो भी प्रभुजन आते हैं कभी किसी को लेने से मना नहीं किया जाता कि यहाँ पे जगह नहीं है, हमेशा जगह खाली रहती है, कभी भी कितने भी आ जाएं ये हमेशा खाली रहता है। जी जी जी। यहाँ से चंदा मांगने कोई जाता नहीं है, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं, रोजाना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है, दाल, आटा, चावल, सुई, अंतिम संस्कार की सामग्री तक की ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है, जो लिखा जाता है वो रोजाना आता है जी। भरतपुर एक आश्रम का जो रोजाना का खर्चा है 9.5 लाख रुपए प्रतिदिन खर्च होते हैं, रोजाना ठाकुर जी को लिखे जाते हैं, रोजाना आ जाते हैं, रोजाना, कभी ऐसा नहीं होता कि लिखा जाए ठाकुर जी के लिए नहीं आए जी। जी, जितनी भी बीमारी सोच सकते हैं, जितनी देख सकते हैं जी, वो सभी बीमारी, सभी तकलीफें यहाँ पे हैं। उसके उपरांत भी किसी को सुखी इंसान देखना है, इतनी बीमारियों के बाद तो अपना घर में ही देखा जा सकता है। सही बात। इस तरह से एक छोटा सा अपना घर है ये। नहीं नहीं, छोटा सा मत कहिए ऐसे, जहाँ मन में जगह है वो बहुत बड़ा घर है जी। जगह तो मन में होनी चाहिए जी सर। और जो आप हर आदमी के लिए, हर पीड़ित दुखी के लिए आप अपना मन खोल के रख रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी ऐसी स्थिति है जो दुर्लभ है।
यहाँ पर इंसानों के अलावा सभी जीवों के लिए जीव सेवा गृह है। यहाँ पे श्वान, कबूतर, गधा, घोड़ा, ऊंट, नील गाय सभी पशु पक्षी उसमें रहते हैं, 200 से ज्यादा हैं। और एक गौमाता के लिए बड़ी गौशाला है, वहाँ पे 1700 गौमाताएं अभी सेवा ले रही हैं। अच्छा, तो इंसान के अलावा सभी जीवों की सेवा होती है यहाँ पर। जी जी, और सभी के लिए अलग अलग आवास है। हाँ, तो जीव की सेवा है, इंसान और जानवर में फर्क नहीं है। जी, जीव मात्र की सेवा है। जी सर। तो सर, एक बहुत बात है जो एकदम से विश्वसनीय नहीं लगती, आप इसको अदरवाइज ना लें। जी, हम कहें कि हम प्रभु के नाम एक चिट्ठी लिखते हैं और सारी तरह की जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं वो प्रभु संपन्न करा देते हैं। जी, रोज चिट्ठी लिखी जाती है, तो ये जो रहा आपको मिली, ये जीवन में कैसे मिली? बेसिकली हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। शुरुआत में जब शुरुआत किया तो लोगों को भरोसा नहीं था। हाँ, कि यूपी के लोगों पर राजस्थान में थोड़ा उतना भरोसा नहीं करते जितना करना चाहिए। अच्छी बात है। तो लोग देते ही नहीं, हम लोगों को इतना मांगने की आदत नहीं थी। बहुत सारी क्राइसिस, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई। एक बार हमारे यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं थी दूसरे दिन के लिए, तो मैसेज कह रही थी कि आटा लेके आना है, जहाँ हमारा इंस्टीट्यूशन यहाँ से 12 किलोमीटर है शहर। अच्छा, तो वहाँ पर जाना था। पेशेंट देखते देखते रात को 11 बज गए, जा नहीं पाए। सुबह सुबह एक महात्मा आ गए। अच्छा, तो थोड़ा पलोथन का ये आटा बचा था रात को। तो माधुरी से उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, सुबह 7 बजे की बातें थी, 6:30-7 बजे की। ठीक है, हमने कही आटा तो आपको पता ही है, अभी लेके आते हैं। जो महात्मा थे वो कह रहे थे मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, जो भी हो वो दे दो। माधुरी ने बस जो थोड़ा सा आटा बचा था रात को, उसकी 4 चपाती तो नहीं बनी, 2 चपाती बनी। दो चपाती बन गई, मैं देखे गया दोबारा। जब ऊपर घर आवाज था, नीचे वो साधु बैठे थे। जी, तो दोबारा जब मैं लेके आया तो वो साधु वहाँ पे नहीं मिले। अच्छा, और वहाँ पे एक व्यक्ति 1 50 किलो का आटे का बैग लेके आया था। वो फर्स्ट टाइम था, जब तक कोई जुड़ा भी नहीं था। कहीं मैं ये आटा देना चाहता हूँ अपना घर के लिए। बस अच्छा। जब से ऐसा कुछ मन में भाव आया, बस जब से ठाकुर जी को जो जरूरत हुई ठाकुर जी को लिख दी, और जो लिख अच्छा। दिया जाता है आवश्यक रूप से आती आती है। अगर आपको ठाकुर जी के दर्शन करते हैं करने हैं तो मथुरा वृंदावन जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अगर लीला अगर देखनी है ना ठाकुर जी की, तो अपना घर आसन भरतपुर आना पड़ेगा। सब कुछ चलता है, ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किसी को ये विश्वास न होता हो, कोई ये मानता हो दुनिया में कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वो यहाँ पे आकर देख सकता है कि पूरी व्यवस्थाएं अपने आप कैसे हो जाती, बिना मांगे सब अपने आप कैसे आता है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ठाकुर जी की लीला। सुबह से शाम तक सब ऑटो मोड पे रहता है, सब कुछ अपने आप होता रहता है। खर्चा तो काफी आता होगा, आप बता रहे हैं 58 सेंटर्स हैं अपने। नहीं, भरतपुर का एक 58 की तो बात छोड़िए, भरतपुर एक आश्रम का खर्चा 9.5 लाख रुपए रोज खर्च होते हैं भरतपुर आश्रम के लिए। नहीं, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि पूरे सभी राज्यों में जो अपने सेंटर्स चल रहे हैं तो उनका खर्चा तो प्रतिदिन करोड़ से ऊपर का होगा। नहीं, करोड़ तो नहीं है, बाकी सेंटर छोटे हैं, 35 लाख रुपए का खर्चा होता है, 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा होता है। अच्छा, पर डे का? पर डे का होता है, रोजाना का? रोजाना आ जाता है। नहीं तो वो मतलब पैसा सेंटर पैसा क्या अपनी इंडियन करेंसी में ही आ जाता है या कैसे दिखाई देता है आपको क्या आ गया? नहीं, जो बोर्ड पे लिख देते हैं हम, तो इतना चावल चाहिए, इतनी दाल चाहिए, इतना आटा चाहिए, इतनी भवन चाहिए, इतना भूमि चाहिए, वो सब लिख देते हैं। कुछ अच्छा। जो काइंड में आता है वो काइंड में आता है, जो कैश में आता है कैश में आ जाता है, लेकिन आ जाता है शाम तक। ऐसा नहीं होता कि नहीं आए कभी। और किन्हीं कारणों से विलम्ब हो जाता है, तो विलम्ब होता है तो हम ये नहीं सोचते कि संसार में अभाव है। हमें पता चल जाता है कि संसार में अभाव नहीं है, हमारी पात्रता में कमी है, हमारी नियत में कोई खोट है, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा,
ये ठाकुर जी का संकेत है कि अपने काम को ठीक से करो, ये अभाव नहीं है। अभाव तो देखने में दिखाई देता है लेकिन वास्तव में तो ठाकुर जी का संकेत है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें, और जब ईमानदारी से करते हैं तो व्यवस्थाएं हो जाती हैं सब अपने आप। सही कह रहे हैं आप ये। लेकिन ये जो सोच डेवलप कैसे हुई, अचानक कोई घटना घटी थी आपके जीवन में कि अपन, आप डॉक्टर हैं, आदरणीय भाभी जी डॉक्टर हैं, एक अलग तरह का जीवन, और उसके बाद फिर ये जीवन, तो कोई विशेष घटना या कोई लाइफ में ऐसा टर्न आया, क्या हुआ ऐसा? बेसिकली हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, जैसा कि बताया डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में गांव है, गांव की पृष्ठभूमि है। हमारे गांव में एक वृद्ध थे, उनका कोई नहीं था, उन दिनों हम सिक्स क्लास में पढ़ते थे। अच्छा जी। तो ग्वाला का काम करते थे, ग्वाला समझते हैं आप? जी जी। वो ग्वाला का काम करते थे, गांव वाले जितने भी हैं सबकी गाय भैंसों को लिया और जंगल ले जाना, वहां पर चला के शाम को छोड़ देना। हमारी बगीची थी गांव से आधा किलोमीटर दूर, गांव वाले अपने सभी जानवरों को वहां छोड़ जाते थे और वो ग्वाला के काम के लिए ले जाते थे। ठीक है। अंत समय में उनके घाव हो गए, घाव हुए तो कभी कोई वैद्य जी को दिखा लाया, कभी कोई वैद्य जी को दिखा लाया। जी। लापरवाही होती रही, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था, कीड़े पड़ गए और अंततः हमारी बगीचे पर एक महीने करीब वो पड़े रहे और डेथ हो गई उनकी। काफी नजदीक से देखा उनकी मृत्यु को, जब से था मन में ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं होता है। उनकी मदद तो सब करना चाहते थे लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। सही कह। तो हमें लगा जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, संसाधन देने वाले तो ठाकुर जी हैं। जी जी जी। तो उसके बाद ये सिलसिला? हाँ, उसके बाद अपने आगे की पढ़ाई की। जी। उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल ग्रेजुएशन के लिए भरतपुर आना पड़ा, भरतपुर से BHMS किया, होम्योपैथिक मेडिकल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ही सेवन से ऊपर पास आउट करने के बाद। अच्छा। तो आप होम्योपैथिक मेडिकल करते हैं? जी। अच्छा। लेकिन ये जो अपने यहाँ पेशेंट्स आते हैं, मतलब जो लोग आते हैं, वो शारीरिक रूप से भी बहुत अलग तरह से, कभी जख्मी हालत में भी होते हैं, उनके जख्मी भी होते हैं, कुछ मेंटली भी विकृतियों के शिकार होते हैं, तो उसके लिए तो बकायदा साइकेट्रिस्ट या सर्जन या मेडिसिन के लोग? जी, यहाँ पर 19 डॉक्टर हैं, यहाँ पे फिजिशियन हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, सर्जन हैं, एनेस्थीसिया वाले हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पेडिटिशियन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो जरूरत होती है। यहाँ पे अंदर कैंपस में हॉस्पिटल भी, ऑपरेशन वगैरह सब हॉस्पिटल में ही हो जाते हैं, यहाँ अंदर ही हो जाते हैं। अच्छा। तो ये सारे डॉक्टर्स तो ऑन सैलरी होंगे या ये भी सेवा भाव? यहाँ पे केवल एक डॉक्टर सैलरीड है, बाकी सब सेवा भाव से हैं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सैलरी लेंगे तो ठाकुर जी को भेजनी पड़ेगी, पैसा नहीं लेंगे तो ठाकुर जी नहीं भेजेंगे पैसा। ठाकुर जी को डॉक्टर भेजना है या पैसा भेजना है, भेजना तो उन्हीं को आखिर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इस बात से हम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने भेजा क्या है। अच्छा, जो लोग स्वस्थ हो जाते हैं उनका रुझान क्या रहता है? क्या वो आश्रम छोड़ के चले जाते हैं या वो आपके संग जीना चाहते हैं? नहीं, हम अब तक 24,500 प्रभुजनों को घर भिजवा चुके हैं ठीक हो गए। जैसे ठीक हो जाते हैं तो यहाँ पे एक पुनर्वास सेल है, वो उनके घर का पता लगाती है, घर का पता लगाती है, और जैसे ही घर का पता लग जाता है पुलिस के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, जी जी जी, ग्राम पंचायत के माध्यम से, वार्ड मेंबर के माध्यम से पता लगाते हैं, पता लग जाता है तो उनके घर सूचना दे देते हैं, घर वाले लेने आ जाते हैं, भिजवा देते हैं। नहीं, जो कहीं नहीं जा पाते वो यहीं पे रहते हैं। जी। तो उनका फिर उनके भोजन व्यवस्था, खाने सब व्यवस्था, उनकी कपड़ों की, रहने की? हाँ, ठाकुर जी को करनी होती है। यहाँ पे ये 60 एकड़ में बना हुआ, 60 एकड़ में बना हुआ, काफी बड़ा कैंपस है। अच्छा अच्छा। तो ये 60 एकड़ की जो आर्थिक व्यवस्था हुई, ये भी ठाकुर जी ने की या आपने अपनी संपत्ति? नहीं, इंसान की तो औकात क्या है, हमारी तो औकात क्या है, ठाकुर जी ने की। अभी भी अगर इनकी दोनों की बाउंड्री वाल देखी जाए, 3.5 किलोमीटर की बाउंड्री वाल है, इतना बड़ा कैंपस है। तो उन लोगों का क्या रहता है, मतलब छोड़ के जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते?
नहीं, घर का तो कोई विकल्प नहीं है संसार में, माता पिता का कोई विकल्प नहीं, घर का कोई विकल्प नहीं। कुछ लोग हैं जो यहीं रहना चाहते हैं, कुछ जाना चाहते हैं, दोनों ही तरह से हैं। नहीं, आजकल जो स्थितियां सामने आ रही हैं सामाजिक विसंगतियों के साथ, वहाँ अधिकांश लोग घर से ही परेशान होकर निकल जाते हैं और इस हालातों में पहुंच जाते हैं, तो वो घर लौटना, भाई घर में भी तो घर कोई घर जैसा उनको मिले तभी तो घर जाएंगे। नहीं, दो बातें अलग अलग हैं जी। कुछ बिछड़ जाते हैं जी जी, और कुछ निकाल दिए जाते हैं। निकाल दिए जाते हैं वो तो जाना नहीं चाहते, जाना नहीं, बिछड़ जाते हैं किन्हीं कारण से वो जाना चाहते हैं। फिर आप देखते होंगे घर में कितनी भी झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, लेकिन आदमी फिर भी घर ही रहना चाहता है, घर का तो कोई विकल्प बना है नहीं है। तो दोनों ही बातें हैं, कुछ यहाँ पे भी रहना चाहते हैं, कुछ घर पे जाना चाहते हैं। जो यहाँ रहना चाहते हैं यहाँ पे रहते हैं, जो घर जाना चाहते हैं वो चले जाते हैं, भिजवा देते। अच्छा, जो यहाँ रहना चाहते हैं उनका पुरुषार्थ के लिए कोई काम वाम भी उनको दिया जाता है या नहीं? हाँ, यहाँ पे एक सिलाई का सेंटर है, सिलाई सेंटर में 60,000 यूनिफॉर्म एक साल में बनती हैं। अच्छा, स्लीपर बनाने की मशीन है यहाँ पे, स्लीपर बनते हैं। अच्छा, तो उनका मार्केटिंग हो जाता है। हाँ, फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल का। अच्छा। तो यहीं पे 15 क्विंटल आटा रोजाना लगता है, उसी में काम आता है। धूपबत्ती है, अगरबत्ती है जी, ये बनती है यहाँ पर। इस तरह के भी छोटे छोटे काम चलते हैं, और खुद यहाँ पे ऑलरेडी यहीं पे काफी जरूरत होती है। स्टाफ तो 450 है यहाँ पे इस समय भरतपुर में। अच्छा, भरतपुर में। हाँ, 450 का स्टाफ है, तो बाकी प्रभु जी काम करते हैं एक दूसरे की मदद कराने में, किचन में, साफ सफाई में, भोजन। अच्छा। में, मेडिकल में, ऑफिस में, हर जगह प्रभु जी की सेवा लेनी होती है और वो सेवाएं देते हैं। हाँ, तो ताकि उनका भी थोड़ा सा जीवन में व्यस्तता हो जाती है तो वो ज्यादा खुशी महसूस करते होंगे कि हम भी यहाँ सहयोग करके भागीदारी निभा रहे हैं। नहीं, खुशी के लिए तो हम लोग काम करते ही करते हैं। यहाँ पे ये एक अनूठा होम है जी। यहाँ पे केवल इनके मेडिकल की व्यवस्था, हॉस्पिटल ही नहीं है, हॉस्पिटल के अलावा यहाँ पे प्रभुजनों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है अंदर। अच्छा। ही हाउस अपने महीने में 2 बार शॉपिंग कर सकते हैं, अपने पर्सनल केयर के आइटम अपने हिसाब से ले सकते हैं, टोटल फ्री है। अच्छा, एक कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में महीने में 2 दिन अपने दिन अपनी पसंद का जो भी मन में इच्छा हो वो खा सकते हैं, जो राजस्थान में मिल सकता है, जो इंडिया में मिल सकता है, नॉन वेज को छोड़ के सब मिलता है उस रेस्टोरेंट में। 2 दिन अपनी पसंद का खा सकते हैं। एक यहाँ पे थिएटर है, पिक्चर हॉल है। अच्छा। रोजाना 100 चलता है, रोजाना 186 सीटर है, 186 सीटर, तो 186 प्रभु की रोजाना पिक्चर देखने के लिए आते हैं। रोजाना 100 चलता है, इंटरवेल होता है, इंटरवेल में कैफेटेरिया में रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर खाते पीते हैं। तो इस तरह से यहाँ की व्यवस्था है। एक स्पिरिचुअल पार्क है, एक ऐसा विशेष स्थान है जिसमें कोई पिलर नहीं है, 1000 प्रभु जी बैठ के एक ही जगह, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जैन मंदिर जी, सभी का आनंद एक ही जगह लिया जा सकता है। और चारों तरफ एक बीच में सेंटर में चारों तरफ घूमेंगे तो एक तरफ जैन मंदिर दिखाई देगा, एक तरफ मंदिर दिखाई देगा, एक तरफ चर्च दिखाई देगी, एक तरफ गुरुद्वारा दिखाई देगा, एक तरफ गिरजाघर दिखाई देगा। तो एक ही जगह सभी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। धर्म की भी फ्रीडम है, कोई कुछ भी करे, किसी को नमाज पढ़िए नमाज पढ़ते रहो, किसी को पूजा करनी है पूजा करते रहो, किसी प्रेयर करनी है प्रेयर करते रहो। इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। क्या इन सब के बीच भी कहीं ऐसा ऐसे प्रभुजन मिले हैं जो सिर्फ सूफिज्म पर विश्वास करते हो? ये सिर्फ जो है एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते हो या सूफिज्म पर विश्वास करते हो, ऐसे सज्जन भी मिले हैं अपने आश्रम में आपको? यहाँ पर तो ज्यादातर तो एक ही ईश्वर विश्वास करते हैं, सबका एक है, कौन है, रूप कैसा है, सब एक पे विश्वास करने वाले हैं। जी हाँ जी, क्योंकि आपकी धारणा तो यही है, कोई शक्ति है जो संसार को गवर्न करती है, बस उस पर सब विश्वास करते हैं अधिकतर यहाँ पे। अच्छा, तो माधुरी नाम है, माधुरी नाम, तो वो भी आपको सहयोग करती हैं सब में या घर ही संभालती हैं? नहीं, हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं 8th क्लास से।
अच्छा, तो शुरुआत भी हम लोगों ने साथ साथ ही की है। वेरी गुड। तो अब तो हमारा यही घर है, इसके अलावा कोई दूसरा घर तो है नहीं। कैंपस में ही रहते हैं, यहीं पे खाते पीते हैं, यहीं पे रहते हैं, एक ही, इसके अलावा कोई दूसरा घर नहीं है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो इसके इसके संबंध में जो है, ऐसा कोई नहीं होता कि जैसे किसी ट्रस्ट से या किसी सरकारी माध्यम से कहीं कोई फंडिंग या कोई सहायता या सुविधाएं नहीं सरकार से? कोई किसी नहीं, सरकार से कोई किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं है शासन के लिए। नहीं तो आपने कोशिश नहीं करी या नहीं, ठाकुर जी से ऐसा ध्यान नहीं दिया? ठाकुर जी को लिख देते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। ठाकुर जी पूरी व्यवस्था कर ही देते हैं, अब वो सरकार के माध्यम से करें या किसी व्यक्ति के माध्यम से करें। 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से। जी जी जी, तो 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से अपना घर की सेवाओं से। जो एक बार आ जाता है वो यहीं का होकर रह जाता है, ये यहाँ की भूमि में कुछ ऐसा है। तो कितने अपने सारे सेंटर्स में कुल मिला के कितने लोग होंगे? 11,000 प्रभु जी सारे सेंटर पर, 11,000 में से 4,750 भरतपुर में है। तो भरतपुर तो केंद्र है। हाँ, भरतपुर वर्ल्ड का, संसार, दुनिया का सबसे बड़ा होम है ये अपनी कैटेगरी का। क्या बात। तो आगे योजना है कोई विदेशों तक ले जाने की? नेपाल में है अभी। अच्छा, नेपाल में एक है। वहाँ कितने प्रभु जन है? 145। अच्छा, 145। अच्छा, नेपाल में, भूटान में भी पॉसिबिलिटी है, भूटान में पॉसिबिलिटी है, दूसरे देशों में भी चल रहा है। जहाँ जगह मिल जाएगी, भवन मिल जाएगा, वहीं शुरू कर देते हैं हम लोग। नहीं नहीं, इन सभी सेंटर्स पे क्या मतलब वहाँ के लोग ही पर्ची लिखते हैं भगवान जी को? हाँ, ऑफिस में लिखी जाती है, ऑफिस में लिखी जाती है, सभी आश्रमों में ऑफिस में चिट्ठी लिखी जाती है। अच्छा, तो कुल मूर्ति स्थापित है वहाँ या नहीं? नहीं, मूर्ति नहीं है, हम तो केवल मतलब ठाकुर जी को लिखते हैं। ठाकुर जी कौन है, क्या है, कैसा स्वरूप है उनका, ये भी हम लोग नहीं जानते। ये पता है रखते भी कहीं उनके चरणों में या कहीं ऐसे रखता नहीं, रखते नहीं है आप? नहीं, ऑफिस में बोर्ड पे लिखते हैं, ऑफिस में बोर्ड लगा हुआ है अपना घर की जरूरतों की, ठाकुर जी को चिट्ठी, ये बोर्ड अच्छा। लगा हुआ है, उस बोर्ड पर जो जरूरत होती है, आटा, दाल, चावल, एम्बुलेंस, भूमि, भवन, बिल्डिंग मटेरियल, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो भी है सब वहीं पर लिख देते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। तो अपने आप सब सारे सेंटर्स पे ये व्यवस्था अपने आप चल रही है? सारे सेंटर्स पर। क्या कोई ऐसी पेशकश भी आई कि किसी भामाशाह ने आपको आके ऑफर किया हो कि भाई ये सहयोग राशि हमारी तरफ से, आप इतना पुण्य का काम कर रहे हैं? नहीं, तो रोजाना ही होता है, रोजाना ठाकुर जी किसी मानव रूप में ही आते हैं, रोजाना ही होता है। ये तो यहाँ पर मतलब रोजाना 30-35 लाख रुपए आते ही आते हैं। अच्छा। अभी जो भरतपुर में बन रहा है वो 406 करोड़ की लागत से बन रहा है, 3 फेज में बनना था जिसका 1.5 फेज बन गया है। अच्छा। हाँ, तो ये तो सब ठाकुर जी हैं, हमारे लिए कोई भामाशाह नहीं होता, हमारे लिए तो सब ठाकुर जी होते हैं। जो भी आता है कि हमने चिट्ठी किसको लिखते हैं, ठाकुर जी को। यहाँ पे तो जो भी आएगा या तो ठाकुर जी आएंगे या ठाकुर जी का प्रतिनिधि आएगा, कि जिनको बुलाते हैं बस वो आते हैं या उनके प्रतिनिधि आते हैं। तो हमारे लिए कोई भामाशाह नहीं होता, हम तो ये सोचते हैं हमने ठाकुर जी को लिखा था, ठाकुर जी के प्रतिनिधि आए, उन्होंने खुद तो आए नहीं, अपने प्रतिनिधि को भेज दिया। आप इतने पुण्य काम कर रहे हैं, इतना अनुभव है आपको, इसमें बहुत सारे अवरोध भी आए होंगे और लोगों ने विश्वास अविश्वास के बात भी की होगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक आदमी को, आदमी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संसार में अवरोध नाम की कोई चीज नहीं है, व्यवधान नाम की कोई चीज नहीं है। ये जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते वही व्यवधान होता है। जी हाँ जी। मैसेज ये है कि आज का आदमी पदों से बन जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई आर्किटेक्ट हो जाता है, कोई आईएएस हो जाता है, कोई आईपीएस हो जाता है, कोई इंसान बने रहे कम से कम इन पदों से न बंधे। इंसान बने रहेंगे तो ये पदों का सृजन अपने आप हो जाएगा, इन पद से बन जाएंगे तो इंसानियत तो चली जाएगी, तो इंसानियत को सींचते रहे। नहीं, आज देखिए, आज हमारे देश में ही मैं किसी भी विचारधारा का कायल नहीं हूँ, विचारधारा तो एक ही है कि आदमी आदमी के लिए खड़ा होना चाहिए जी।
लेकिन हालात हमारे देश के, हमारे समाज के बहुत बहुत विभिन्न प्रकार की विसंगतियों को लेके खड़े हुए हैं जी, और उनके समक्ष आप खड़े हैं एक मजबूत दीवार बनके, यहाँ आस्था ही आस्था है जी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा मैसेज भी दें ताकि लोगों तक ये हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि देखो भाई यहाँ है ईश्वर, यहाँ है आस्था, और वो क्यों है उसका ये कारण है जी। हाँ, सबसे पहले तो जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं सेवा के क्षेत्र में जी, उनको एक बात समझनी चाहिए कि सेवा के लिए संसाधनों की जरूरत नहीं होती, सेवा के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। सेवा के लिए जो जरूरत होती है प्रेम की जरूरत होती है, सत्य की जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है, करुणा की जरूरत होती है, और जो तो जरूरत होती है वो ठाकुर जी ने सभी को समान रूप से दे रखी है और बिना पैसे के दे रखी है। संसाधन तो जितने भी जीव हैं वो अपने साथ लेके आते हैं, सभी अपना भाग्य लेके आते हैं। आप जिसके लिए काम करते हैं वो अपना भाग्य लेके स्वयं आता है, इसमें किसी के पैसे नहीं लगते सेवा में। तो सेवा करने वाले सेवा में लगे रहें, संसाधनों के पीछे न भागें। जैसे सेवा करने वाले पैसा की तरफ आज के युग में देखते हैं कि पैसे वाले मिल जाएं, वैसे ठीक इसका उल्टा है। पैसा देने वाले सेवा करने वालों को ढूंढ लेते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा पैसा ठीक जगह लग जाए, मुझे ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ पे मेरे संसाधनों का ठीक से उपयोग हो जाए। तो जो सेवा करने वाले हैं ईमानदारी से अपना काम करना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसे वालों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, पैसे वाले सेवा के पीछे भाग रहे हैं, सच्चाई तो ये है। अच्छी बात। तो ये एक सेवा करने वालों के लिए मैसेज है कि अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहें, प्रेम से करते रहें, करुणा के साथ करते रहें। नहीं, बहुत सही बात कही आपने कि पैसा से एक एक खामा ख्याली है कि पैसे से आप सब कुछ कर सकते हैं, होता नहीं है। पैसा से आप कुछ नहीं कर सकते, पैसा से कुछ नहीं कर सकते, हम एक रोटी नहीं बना सकते पैसे से, नहीं बन सकते। पैसा विनिमय का साधन है बस। जी हाँ, जी हाँ, पैसा से पेट नहीं भर सकता, पैसा से तकलीफ नहीं जा सकती। और जितनी वस्तुएं जितनी जरूरत होती है ठाकुर जी भेज देते हैं। हर इंसान कोई अभागा पैदा हुआ नहीं है संसार में, सब अपना भाग्य लेके आते हैं, उसके भाग्य का उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। आदमी जहाँ जाता है उसको हवा वहां मिल जाती है, प्राणवायु मिल जाती है, जल मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। जहाँ कदम रखता है उतनी परमात्मा को जगह देनी होती है, जहाँ बैठता है उतनी जगह देनी होती है, जहाँ सोना है वहां जगह देनी होती है, और जहाँ जाता है परमात्मा पीछे पीछे भोजन लेके घूमता है, वहां भोजन पहुंचा देता है जी। तो ये सब कुछ अपने आप प्राकृतिक रूप से हो रहा है, हमें प्रकृति पे भरोसा करना चाहिए और प्रकृति के साथ जीना चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जितनी कम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, परमात्मा पर भरोसा करें। आस्था का विराट रूप कहीं हो सकता है, तो आपके शब्दों में हम सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। आज के लिए समय की पाबंदी है, प्रणाम। अपन फिर बात करेंगे। और आज के लिए आभारी है आपका जनसंपर्क मंच, धन्यवाद, प्रणाम सर।